हेलो, राम राम दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 250 फुट नीचे से ट्यूबवेल को कैसे खींचें ट्रैक्टर द्वारा, क्योंकि अब आदमियों की संख्या कम होती जा रही है गाँव से, क्योंकि जो दूरस्थ शहरों में कार्य या व्यापार के लिए निकलते जा रहे हैं, एवं आपसी विवाद होने के कारण कोई एक दूसरे के काम करने के लिए नहीं जाता है गाँव में। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ट्यूबवेल खींचने का देसी जुगाड़ बताएंगे ट्रैक्टर से। देखो, हमने दोनों रस्से लिए और ट्रैक्टर के आगे बम्पर से बांध दिए और ट्रैक्टर को धीरे धीरे खींचे ले जाएंगे। देखें आप किस प्रकार खींचेगा ट्यूबवेल आपके सामने। यदि आप पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो के अंदर जरूर बने रहें। देखो, धीरे धीरे ट्रैक्टर को पीछे ले जाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में ट्यूबवेल ऊपर निकलता हुआ आ रहा है और पंपों को खोलने की कोशिश की जा रही है। अभी पंप पिछने से पहले ही टायर ट्रैक्टर के फिर गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस खेत में पशुओं के लिए चारा हुआ हुआ है तो उस पर से टायर स्लिप हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम धक्का देकर कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर पीछे चला जाए और ट्यूबवेल ऊपर आ जाए, फिर भी नाकाम रहे। बाबा कोशिश कर रहे हैं पूरी ट्रैक्टर को पीछे ले जाने की, नई नई स्कीम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर पीछे नहीं जा रहा है। एक पैप जो कि 10 फुट का होता है या पैप 15 फुट का होता है वो ऊपर निकल चुका है और अब घास को ही काट रहे हैं किसान भाई ट्यूबवेल को रखने के लिए। बहुत सारी कोशिश करने के बाद अब आए हमारे गांव के पहलवान धक्का देने के लिए, जो कि आगे धक्का देने की पूरी कोशिश के साथ और ट्रैक्टर को बाबा करेंगे पीछे। लेकिन जाएगा या पीछे, अरे ये क्या हुआ, और ट्रैक्टर पीछे चला गया और पैप पूरा निकल गया। देखो, इस प्रकार से पाइप को खोला जा रहा है और खोल के इस पाइप को अलग रख देंगे और इससे फिर दोबारा से ट्रैक्टर पीछे जाएगा और वही प्रक्रिया रहेगी, पैपों को धीरे धीरे खोल के धर देंगे। इस कुएं में पाइप डरे हैं 24 पाइप जो कि 240 फुट के हैं और फिर वही स्कीम, थोड़ा हाथों का इस्तेमाल, थोड़ा ट्रैक्टर का इस्तेमाल, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई रिस्क भी नहीं है। ले चलो फिर मेरा एक टूर मार। धीरे धीरे करके हमने आधे से ज्यादा पाइप खोल चुके हैं और प्रक्रिया चल रही है। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने किस प्रकार से रस्से के आगे एक पाइप का टुकड़ा लेकर और एक पत्थर लेकर लगाया है जिससे कि पत्थर ना कटे। हमारे अब तक पाइप निकल चुके हैं आधे से ज़्यादा और कोशिश है कि जल्दी से निकाल दिया जाए और समर को बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि दोबारा से उसे रिपेयर करा के उसमें डाल दिया जाए। इस प्रकार है पैप खोलने का देसी तरीका। देखो, हाथों के द्वारा पैप खोला जा रहा है। देखो, खोल दिया पैप, यानी दो जनों ने नीचे से पढ़ रखा है और तीन जने ऊपर से खोल रहे हैं हाथों के द्वारा। किसी भी डिंच का काम नहीं, किसी भी औजार का काम नहीं, ये होता है दोस्तों किसान भाइयों का देसी जुगाड़। अब बाबा फिर से लेंगे ट्रैक्टर को पीछे और चलेगी पूरी कार्रवाई द्वारा से। अब देखो, आपको दिख रहा होगा पैप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और ट्रैक्टर धीरे धीरे पीछे जा रहा है और जो कि वायर होती है, वायर यानी केबल उसे बोलते हैं देसी भाषा में, उसे हमारे किसान भाई हाथों से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अब रस्से को टाइट करने के लिए पकड़ रखा है आदमियों ने
आप उसे छोड़ दिया, आप ट्रैक्टर से बांध दिया रस्सा और फिर से बाबा लेंगे ट्रैक्टर को पीछे। दोस्तों आपकी कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि आपकी ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो एक बार जुगाड़ को ज़रूर अपनाएं, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं आपको पूरे साथ कह रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से आप अपने ट्यूबवेल को 500 फीट नीचे से भी निकाल सकते हैं इस जुगाड़ के द्वारा। तो दोस्तों अब हमारी समार इतने के लिए हो गई, अब ऊपर निकलने वाली है। अब देख रहे हैं कि कितनी अंदर है कितनी ऊपर है, क्योंकि अब समर या ट्यूबवेल ऊपर यानी मोटर ऊपर आने वाली है तो उसे हाथों के द्वारा निकाला जाएगा क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। हमें मोटर होती है प्लस में पंप होती है तो उसे हाथों से नचेंगे। और अभी ऐसे लगता है कि समर ऊपर आ चुकी है और उसे हाथों का इस्तेमाल करके ऊपर निकाला जा रहा है और बाबा और सभी लोग लगे हुए हैं उसे। देखो किस प्रकार से समर को जेट में भर के, ये होती है दोस्तों टू व्हीलों में डाले जाने वाली मोटर और पंप। इससे क्या होता है दोस्तों, पानी अच्छा आता है। और ये लाइट से चलने वाली मशीन है, ये इसका स्टार्टर है बंद चालू करने का बगल। और देखो देसी जुगाड़ सवलियत से उसमें फंसा के मोटर को उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत वजन होता है इसमें, पूरी लोहे की होती है और वायर भरे हुए होते हैं। धीरे धीरे करके हमने पूरी मोटर निकाल ली और वीडियो हमारी आगे की तरफ जाते हुए। ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है समर रचने का, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है और कोई ज़्यादा आदमियों की या श्रमिकों की जरूरत नहीं होती। देखो आप इसी प्रकार से देखो उठा रहे हैं मोटर को, ताकि वजन होने के कारण ज़्यादा लोड हो गया है। और ये रही नीचे की मोटर और ऊपर की पंप। दोस्तों 250 फीट नीचे जाके ये कैसे करती है काम, ऊपर देती है पानी, इस छोटी सी चीज का कमाल। किसान भाइयों आपके क्षेत्र में भी ऐसी समर चलती हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इससे अच्छा कोई जुगाड़ हो समर रचने का तो भी मुझे बताएं कमेंट करके। और आप किसी भी प्रकार से और कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हो समर से संबंधित तो आप कमेंट करें। देखो किस प्रकार से हम धीरे धीरे डर रहे हैं उसे, और ये निकलाई हमारी समर। अब इसे उठाने के बाद आप से उठा के अंदर दूर ले जाया जा रहा है कुएं के पास से। समर अब तक बाहर निकल चुकी है दोस्तों, तो अब हमारी वीडियो होने वाली है समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।